Hello friends, I am Ravikant. Welcome you at Gyan Education. My dear friends, आज हम करने वाले हैं बैंक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट, दैट इज एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेसेस फ्रॉम मॉड्यूल ए. ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स पॉइंट्स इन ए डिटेल्स मैनर. ओके, सो लेट्स बिगिन. First of all, we will discuss about international trade. International trade kya hota hai? International trade is exchange of capital services across international borders. My dear friends, agar baat kare international trade ki, to international trade kya hota hai? Exchange of capital. Okay, matlab aapne dekha hoga, ek country se dusre country mein capital jana, matlab ki flow of economy. ओके, सर्विसेज. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगर अ प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड टू द ग्लोबल मार्केट इन एन एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्ट दैट इज बॉट फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट इज एन इंपोर्ट. मतलब एक्सपोर्ट क्या होता है? जो हम होम कंट्री से, होम अपने कंट्री से कुछ बाहर बेचते हैं, दूसरे देश को बेचते हैं, वो होता है एक्सपोर्ट. और किसी दूसरे देश से खरीद कर अपने देश में लेकर आते हैं, वो होता है इंपोर्ट. ओके, डेट इज ए, आई होप कि समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट. अगर बाहर बेचेंगे अपने सामान को, बाहर जाकर बेचेंगे एक्सपोर्ट, और बाहर से खरीद कर अपने देश में लेकर आएंगे, डेट इज ए इंपोर्ट. अब बात करते हैं करंट अकाउंट की. करंट अकाउंट क्या होता है? विजिबल ट्रेड कंप्राइज ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट टुवार्ड्स गुड्स मर्केंटाइज. ओके, तो ये जो होता है करंट अकाउंट, विजुअल ट्रेड मतलब जो आपका रिसिप्ट और जो पेमेंट, आपके पास जो रिसिप्ट आए हैं और पेमेंट जो करना है. ओके, मतलब लेना है और फिर पेमेंट देना है, आपका हो गया ये पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. इसमें अगर बात करें रिमिटांसेस, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट इसमें आता है. ओके, रिमिटांसेस मतलब कि आपका, हमारे इनवर्ड रिमिटांसेस होता है, आउटवर्ड रिमिटांसेस मतलब कि हमारे इंडियन नेशनल बाहर अर्निंग करके इंडिया पैसे भेज रहे हैं. ओके, डेट इज ए इनवर्ड रिमिटांसेस. अगर कोई फॉरनर इंडिया में कमाकर पैसे अपने देश भेज रहा है, जैसे यूरोप या यूएसए भेज रहा है, डेट इज ए आउटवर्ड रिमिटांसेस. ओके, तो डेट इज ए रिमिटांसेस. ओके, डिविडेंड इंटरेस्ट पेमेंट. आपको इंटरेस्ट पेमेंट काफी आसान है, आपने किसी को लोन, हमने लोन लिया है, फिर लोन दिया है. ओके, That's इंटरेस्ट पेमेंट. कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं. कैपिटल अकाउंट रिलेट्स टू बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट. जो हम उधार लेते हैं दूसरे देश से लें, वर्ल्ड बैंक से लें, ओके, या फिर हम जाके कहीं इन्वेस्टमेंट करें. अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड की. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? विजुअल एक्सपोर्ट एंड विजुअल इंपोर्ट. आपने कितना बेचा और कितना खरीदा बाहर से. लाइक इंडिया और चाइना का बैलेंस ट्रेड क्या है? डिफिसिट चल रहा है इंडिया के प्रति. इंडिया जो है इंपोर्ट करता है लगभग 100 बिलियन डॉलर चाइना से, और जो अगर बात करें एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तो 20 से 30 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर पाता है. तो अराउंड, तो आप ये समझ लिया कि जो डिफरेंस आया डेट इज ए बैलेंस ऑफ ट्रेड. एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं यहाँ पे, लाइक 100 बिलियन डॉलर, ठीक है, ये चाइना, ये एक्चुअल फैक्ट नहीं है, ये आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, चाइना है, ठीक है ये, और आपका यहाँ पे इंडिया, इंडिया ने 30 बिलियन ही, चाइना जो है 100 बिलियन हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया 100 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना से, और जो है मात्र 30 बिलियन एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो हमारा डिफिसिट हो जाएगा 70 बिलियन का. तो यहां पे आपको ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में चीज बताता है, क्लियर बता जाता है कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ. ओके, अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की.
इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ फ्लो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब कि आपका इकोनॉमिक जो आपका किसी अपना अगर बात करें अपने कंट्री की, ठीक है, अपने देश के लोग दूसरे देश के प्रति या दूसरे देश से कितना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ रिमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डेट इज या कोई टूरिस्ट पे गया होगा, मेडिकल के लिए गया होगा, डेट्स अ थिंग, ओके। तो ये क्या होता है, ये टोटल अ रिकॉर्ड ऑफ फ्लो ऑफ इकोनॉमी ट्रांजेक्शन ऑफ रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अपने देश का पूरे दुनिया के साथ जितना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है, डेट इज ए कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। अब बात करते हैं, अब फॉरेन ट्रेड लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन ट्रेड करना है, विदेशी व्यापार करना है आपको, तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। आप रुपी लेकर जाएंगे यूएसए में, कौन लेगा, नोबडी विल परचेज, नोबडी विल बाय, एंड नोबडी विल गिव एनीथिंग टू यू, सो यू हैव टू फॉरेन करेंसी, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक जो होता है, स्टॉक इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी एसेट्स, बैलेंसेस केप्ट अब्रॉड, इंस्ट्रूमेंट पेबल इन द फॉरेन करेंसी, इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉन अब्रॉड बट पेबल इन इंडियन करेंसी। अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज का, तो उसमें आपका आता है फॉरेन करेंसी, बैलेंस केप्ट अब्रॉड, मतलब बाहर आपने कितना बैलेंस मेंटेन किया हुआ है, फिर बार बात करें इंस्ट्रूमेंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, आपका जो है कितने ऐसे हैं जो आपको फॉरेन करेंसी में पे कर सकते हैं आप, मतलब आपको कितना पे आएगा आपको फॉरेन करेंसी में, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन अब्रॉड, और इंडिया में कितने जो बना है जो बाहर आकर ड्रॉन बाहर में होगा, मतलब कौन सा बिल है, लेटर क्रेडिट है, ओके, जो कि आपको बाहर फॉरेन करेंसी पेमेंट होगा, पेबल इन इंडियन करेंसी, और कुछ कैसे बिल हैं कि जो आपको इंडियन करेंसी में पेबल है, ओके। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज में आपको ये सारे चीज़ें आते हैं, फॉरेन करेंसी, बैलेंस केप्ट अब्रॉड, बाहर अपने बैंक में जमा कर रखा है, इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको बाहर में जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट होना है, या फिर और जो इंस्ट्रूमेंट ऐसे जिसको इंडियन करेंसी में आपको पेमेंट करने हैं, ओके। इन एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन करेंसी आर कमोडिटीज हैविंग प्राइसेस विच कैन बी बॉट और सोल्ड टू सेटल ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सचेंज रेट सिस्टम आज के टाइम में डिमांड एंड सेल पे, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, ओके, जस्ट लाइक कॉमोडिटीज, कि कोई ही कॉमोडिटी दाम कोविड कॉमोडिटी अगर है उसका डिमांड ज़्यादा है तो उसका दाम बढ़ जाएगा, जैसे लाइक गोल्ड का डिमांड ज़्यादा है तो दाम बढ़ जाता है, उसी तरह से फॉरेन करेंसी है। अब जिस करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी, लाइक यूएस डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ओके, और इसको बिल्कुल एक गुड्स की तरह, एक सामान की तरह खरीद बेच किया जाता है टू पार्टीज के बीच और डिफरेंट पार्टीज के बीच, ओके। अब बात करते हैं कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा, खासकर के बेचने की, खरीदने का तो कोई खरीद सकता है, इंडिविजुअल भी खरीद सकता है, यानी इंडिविजुअल कैन परचेज, बट अगर जो बात करें खरीद बिक्री दोनों काम करने का, वो कौन कर सकता है, तो उसके लिए ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज पर्सन, यू कैन से ऑथोराइज डीलर्स होते हैं, तो उसका भी एक कैटेगरी है। बात करेगा कैटेगरी फर्स्ट की, कॉमर्शियल स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस, ओके। जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं, ऑथराइज डीलर कैटेगरी फर्स्ट में जाते हैं, वो आते हैं कॉमर्शियल स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव, मतलब कॉमर्शियल बैंक्स, स्टेट एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डील्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस, ये सारे आ गए कैटेगरी फर्स्ट में, ओके, ये सारा आ गया कैटेगरी फर्स्ट में। अब बात करें ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकेंड की, बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आ जाएंगे एफएमसी, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, डील्स इन नॉन इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस। ये क्या करते हैं, ये इम्पोर्ट में ट्रांजेक्शन नहीं करते,
आपको लोकल में कर लेंगे ओके, पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में नहीं करते। कैटेगरी टू, अब बात करें कैटेगरी थ्री की, बात करते हैं सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस बेसिकली ये होते हैं जो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो किसी को खास इंस्टीट्यूट को अलाउ कर देता है आपको डील करने के लिए ओके, डेट इज ए कैटेगरी थ्री। मेनली कैटेगरी फर्स्ट है और सेकेंड। अब बात करते हैं आरबीआई गाइडलाइंस की फॉर ऑथराइज डीलर इंस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ऑथराइज डीलर जो कैटेगरी फर्स्ट है, बैंक्स में ओपन क्लोज रूपी अकाउंट ऑफ देयर ओवरसीज ब्रांचेज कॉरेस्पोंडेंट्स विदाउट रेफरेंस टू आरबीआई, मतलब बिना आरबीआई के रेफरेंस लिए हुए ऑथराइज डीलर जो बैंक्स हैं वो अपना रूपी अकाउंट खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं बाहर विदेशों में ओके। फंडिंग ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन रेजिडेंट बैंक्स, और फंडिंग भी कर सकते हैं मतलब फाइनेंस भी कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन्स टू कॉरेस्पोंडेंट्स, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं या फिर लोन ले सकते हैं। ओपनिंग ऑफ रूपी अकाउंट ऑफ एक्सचेंज हाउसेस, रूपी अकाउंट भी खोल सकते हैं एक्सचेंज हाउसेस के लिए। इन्वेस्टमेंट बाय कैटेगरी ऑथराइज कैटेगरी फर्स्ट बैंक, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। यूज ऑफ एफसीनर बैलेंस ओके, एफसीनर बी बैलेंसेस, फैसिलिटी टू स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और बात करें यहाँ पे तो आपको कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, और जो है आपका ये सारा आरबीआई के गाइडलाइन के अंदर है। और जो है फैसिलिटी टू रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करें कि रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ भी आपको सुविधाएं मिल जाती है। लोन्स ओवरड्राफ्ट भी आपको मिल जाता है इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योर्स ओके। तो ये आरबीआई का गाइडलाइन है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे आरबीआई के गाइडलाइन है। सो इट्स वेरी इजी वन। सी नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीलिंग ऑपरेशंस। अब जो इसके जो ऑपरेशन डील करते हैं वो कैसे करते हैं, सबसे पहले होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस क्या करती है, ये बेसिकली डीलिंग रूम होता है जहां पे फंड पोजीशन करेंसी पोजीशन की बात की जाती है ओके। तो फ्रंट ऑफिस क्या होता है, डीलिंग रूम जहां पे डील किया जाते हैं बाय एंड सेल, कैसे फंड पोजीशन होता है और करेंसी की पोजीशन होती है, कितना फंड है और कौन सी करेंसी कितना मूव कर रही है ओके। अब बात करते हैं मिड ऑफिस की। मिड ऑफिस क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट देता है और फिक्सेशन ऑफ रिस्क पैरामीटर्स कि कितना तक रिस्क लिया जा सकता है ओके, और कितना तक रिस्क हो सकता है, मतलब कितने अमाउंट तक रिस्क हो सकता है। अब बात करते हैं बैक ऑफिस का, तो बैक ऑफिस क्या करते हैं, सेटलमेंट, किसने बाय किया किसने सेल किया उसको सेटलमेंट करना होता है, रिकन्सिलिएशन और कुछ दिक्कत आती है रिकन्साइल, और फिर अकाउंटिंग सारा उसका डेटा मेंटेन करते हैं ओके। तो फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, ये क्या है आपके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीलिंग ऑपरेशंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप दोबारा बता देता हूँ, फ्रंट ऑफिस में डीलिंग रूम आएगा, फंड पोजीशन करेंसी पोजीशन, मिड ऑफिस में रिस्क मैनेजमेंट फिक्सेशन ऑफ रिस्क पैरामीटर्स, बैक ऑफिस में सेटलमेंट रिकन्सिलिएशन अकाउंटिंग ओके। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही ध्यान से पढ़ना वैसे। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म का। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट, अब्सेंस ऑफ सिंगल करेंसी फॉर द होल वर्ल्ड, देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट वन करेंसी टू अनदर एंड द मैकेनिज्म बाय विच दिस प्रोसेस इज डन इज वाइडली नोन एज फॉरेन एक्सचेंज एंड द टूल यूज्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज द एक्सचेंज रेट्स। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सिंपल पर्पस ये है कि आप अपने करेंसी में दूसरे देश से व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए उसको कन्वर्ज करना जरूरी है। एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड फॉर सेलिंग एंड बाइंग, जाहिर सी बात है आप सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे, और डिफरेंट पीरियड्स एंड डिफरेंट मेथड्स आए देखते हैं। पहला है आपका ओटीसी, मतलब ओवर द काउंटर, मतलब कहीं से भी टेलीफोन के माध्यम से इंटरनेट माध्यम से कहीं से उसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट है ये, कहीं बंद नहीं होता, आपको यू नो वेरी वेल, ऑपरेट राउंड द क्लॉक 24/7 चलता रहता है ये, मतलब कि जैसे इंडिया का बंद हुआ आपका यूरोप खुल जाता है,
यूरो को बंद होता है, यूएसए खुल जाता है, तो इस तरह से राउंड द क्लॉक चलता रहता है। मतलब कि आप 24/7 कभी आप देखेंगे तब कहीं ना कहीं मार्केट खुला ही रहेगा। मेन पार्टिसिपेंट कौन कौन से इसके हैं? पहला है मर्चेंट्स जो व्यापारी होते हैं, दूसरा बात करते हैं कमर्शियल बैंक, तीसरा सेंट्रल बैंक। ओके, मर्चेंट मतलब कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर, और कमर्शियल बैंक मतलब कि जो ऑथराइज डीलर्स हो गए जैसे PNB, SBI, केनरा बैंक, यह हो गया कमर्शियल बैंक। और बात करें सेंट्रल बैंक तो जैसे इंडिया का RBI, USA का फेडरल रिजर्व बैंक। ओके, अब बात करते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट्स। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट का? पहला बात करते हैं इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री, BOP। आपका बैलेंस पेमेंट क्या है? अगर पॉजिटिव है तो आपका आपका करेंसी अप्रिसिएट करेगा, नेगेटिव है तो डिप्रिसिएट करेगा। ओके, डिमांड सप्लाई, आपकी करेंसी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। डिमांड हाई है तो अप्रिसिएट करेगा और डिमांड लो है तो डिप्रिसिएट करेगा। ओके, अभी मैं अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन क्या होता है करेंसी का वो बता दूंगा अभी। ओके, इन्फ्लेशन, अगर आपका हाँ, आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन अगर हाई है तब आपका जो है आपका होम करेंसी डिप्रिसिएट कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट अगर आपका हाई है तब करेंसी अप्रिसिएट कर जाएगी क्योंकि फॉरेनर आपके यहाँ अपनी करेंसी को अपने जो है इन्वेस्टमेंट को पार्क करेंगे यहाँ पे, मतलब अपना इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, तो सो दे विल ब्रिंग हियर देयर फॉरेन करेंसी, तो आपका अप्रिसिएट कर जाएगा। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जैसे आपका गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल बैंक है वो कैसा पॉलिसी बना रही है। अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रही है तो आपका जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा देन अगेन अप्रिसिएट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कैसी, अगर बात करें मॉनेटरी पॉलिसी अगर बिजनेस फ्रेंडली है तो अप्रिसिएट करेगा, बिजनेस अनफ्रेंडली है तो डिप्रिसिएट करेगा। ओके, पॉलिटिकल फैक्टर, मतलब कि कंट्री में क्या पॉलिटिकली स्टेबल है या नहीं, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ का PM बदलने वाला हो या PM को सपोर्ट नहीं हो, दंगे चल रहे हों, आपस लड़ाई झगड़े चल रहे हों, तो दैट्स अ पॉलिटिकल फैक्टर। ओके, सेंट्रल बैंक एंड इंटरवेंशन, अब सेंट्रल बैंक का कितना इंटरवेंशन होता है, ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल बैंक डेली इंटरवेन करती रहती है, मतलब डेली उसमें मतलब कि कुछ ना कुछ रुकावट डालती रहती है, इंटरवेन मतलब कि डेली पॉलिसी बनाती रहती है चेंज करने के लिए, तो इस पर डिपेंड करता है। टेक्निकल रीजंस, ये आपका हो जाएगा स्पेकुलेशन कि आपका जो है लोगों को लग रहा है कि US की करेंसी बढ़ने वाली है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये कुछ टर्म्स हैं एक्सचेंज रेट के, जैसे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट। अगर बात करें फिक्स्ड क्या होता है, जैसे इंडिया 1991 के पहले इंडिया करेंसी क्या थी, फिक्स्ड थी। USA डॉलर $30 या $10 पे ₹1 था और उससे ज्यादा देंगे नहीं, आपको लेना है लोन तो जाओ। मतलब पहले क्या था इंडिया में, जब फिक्स्ड रेट था क्या था, RBI ने फिक्स कर देते थे कि आपको ₹30 फिक्स कर दिया, अगर आपका $1 इक्वल टू 30 रुपीज तो 30 ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको डॉलर देना हो दो अदरवाइज जाओ। तो पहले ये हिसाब करता था, आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो करो, आपको बिजनेस करना हो करो मत करो, पहले क्या था फिक्स था। जब फ्लोटिंग आ गया तो फ्लोटिंग क्या आ गया, डिमांड सप्लाई, अब इंडियन रुपीज कितने डिमांड है और कितने सप्लाई है, तो उस सबसे रेट तुरंत इंडिया करेंसी जो है जैसे ही फ्लोटिंग लॉन्च किया डिवेल्यूएट कर गई थी और कहाँ 30 से काफ़ी नीचे ला गया था। एक्चुअली दिस इज नॉट 30 इज नॉट एक्चुअल रेट ऑफ दैट टाइम, बट दिस इज माई इमेजिनेशन टू कन्विंस यू और मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, दैट्स द थिंग कि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि पहले फिक्स था और उसके बाद फ्लोटिंग कर दिया गया था। ओके, अब बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्टर पता है आपको क्या करते हैं, होम करेंसी को आपको वेरिएबल होता है और फॉरेन करेंसी आपका फिक्स होता है। इंडायरेक्ट में क्या होता है, फॉरेन करेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है और होम करेंसी फिक्स होता है। बेस करेंसी जिसको आप मेन ले रहे हैं, डेट्स बेस करेंसी। टू वे कोट्स, बाय एंड सेल। ओके, तो बाय
लो सेल हाई, हर को जानता है कि कम पे खरीदेंगे आप ज्यादा बेचेंगे, बिड एंड ऑफर रेट, एक बिड देंगे एक ऑफर रेट, मतलब कि आपको खरीदना हो तो अलग रेट, बेचना हो तो अलग रेट। स्प्रेड होता है कि आपका, स्प्रेड होता है आपका कि ऑफर रेट और बिड रेट दोनों काफी डिफरेंस हो जाता है, मतलब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 100 रुपए में, आप बेचने जा रहे हैं, सॉरी अगर आप बेचने जा रहे हैं तो आपको 150 ले रहा है, सॉरी अगर बात करें यहाँ पे, सॉरी वहां तो बताता हूँ सही से ओके, यहाँ पे बाय करने जा रहे हैं, आज सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बाय करने जा रहे हैं तो आपसे 150 मांग रहा है ओके, और सेल करने जा रहे हैं तो आपसे आपको 100 दे रहा है, तो डेट्स ए स्प्रेड, मतलब दोनों के बीच बड़ा गैप हो गया है ओके, दिस इज कॉल्ड स्प्रेड। क्रॉस रेट चैन रूल आगे देखेंगे इसको। फॉरवर्ड पॉइंट्स, प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम क्या होता है, फॉरवर्ड में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो प्रीमियम, अगर फ्यूचर में अगर आपका पॉजिटिव दिखा रहा है, स्पॉट रेट से ज्यादा दिखा रहा है, दैट इज प्रीमियम, अगर कम दिखा रहा तो डिस्काउंट, ये भी आगे चल के भी देखेंगे। इंटर बैंक रेट, एक्सचेंज मार्जिन, मर्चेंट रेट, एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन, मैं इसकी बात कर रहा था अभी, फर्स्ट में से थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से कि एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कंट्री होम करेंसी आपकी का एप्रिसिएट करके, मतलब कि दूसरी करेंसी की अपेक्षा उसकी जो है वैल्यू बढ़ गई, मतलब कि अगर $1 इक्वल टू पहले था 50 और अब जो है $1 इक्वल टू हो गया 60, ये हो गया आपका डिप्रिसिएट, आपकी वैल्यू, आपका होम करेंसी डिवैल्यू हो गई, मतलब कि डिप्रिसिएट कर गई ओके। और अगर पहले 60 था, पहले 60 था, अब से 60 से 50 हो गया तो कर गया आपका एप्रिसिएट ओके, दिस इज कॉल्ड एप्रिसिएट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट्स, अब यहां पे आता है प्रीमियम डिस्काउंट। प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम अगर तब क्या कर लेंगे, उसको प्लस कर देंगे, डिस्काउंट माइनस कर देंगे ओके, दोनों में सेम चीज आएगा। अगर बात करें सिर्फ मार्जिन का, तो जब हम परचेज करेंगे मर्चेंट से, जब हम परचेज करेंगे मर्चेंट से तो उसमें मार्जिन को माइनस कर देंगे, और अगर सेल करेंगे तो मार्जिन को प्लस कर देंगे, मतलब कि बैंक हमेशा अपना फायदा देखती है, या फिर ऑथराइज डीलर होते हैं, भैया दुकान इसलिए खोला ही है कमाने के लिए, ठीक है, अपना मार्जिन तो तुम बेचने आओ तो भी या फिर खरीदने आओ तो भी हम कमाएंगे, डेट इज कॉल्ड मार्जिन, ठीक है, मर्चेंट रेट्स आपका निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉस रेट्स। क्रॉस रेट आपको क्या होता है कि जिसे वैल्यू करेंसी है इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नॉट नोन, मतलब आपको सेल परचेज करना है, कोई आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है, सपोज करो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच, तो सऊदी अरेबिया करेंसी है रियाल, इंडिया करेंसी है रुपी, और इंडिया चाह रहा है उसे खरीदना पेट्रोल सऊदी अरब से, बोलेगा भैया हम तो रुपी लेंगे नहीं, और तो इंडिया बोलेगा हम तुमको रियाल देंगे नहीं, मेरे पास रियाल है ही नहीं, तो बीच में कॉमन करेंसी एक आ जाएगा डॉलर, और डॉलर को फिर हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है कितना रेट एक्चुअली कर रहा है, उस हिसाब से उसको हम रेट फिक्स कर लेंगे ओके। तो ये क्या होता है, रेट एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द टू करेंसी इज नोन एज क्रॉस रेट ओके। देखो क्रॉस एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू करेंसी इज फाउंड आउट थ्रू देयर वैल्यू इन कॉमन करेंसी, जो मैंने बात बता दी आपको, और इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द बिड एंड ऑफर इन ट्रेडिंग ऑलवेज रेफर टू बेस करेंसी, और इसमें जो भी हम करेंगे बेस करेंसी को मान लिया, बेस को मान लिया डॉलर को, तो हम उस पर हिसाब से बिड एंड ऑफर करेंगे ओके। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं
कैलकुलेशन करके, 1 USD मुंबई में 65 रुपया चल रहा है, 65.65। USD CHF मतलब कि स्विस फ्रैंक, 1 USD इक्वल टू 0.95। तो हाउ मेनी रुपीस इक्वल टू, मतलब वन स्विस फ्रैंक इक्वल टू कितना रुपया होगा, तो 1 स्विस फ्रैंक इक्वल टू 0. इतना डॉलर था, एंड 1 USD इक्वल टू 65.65। हमने देखा यहाँ पे है ना, सेम चीज, नथिंग इज चेंज। तो क्या कर देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा कि स्विस फ्रैंक 0.960 इक्वल टू डॉलर, इतना कर दिया 0.65। हम क्या कर देंगे, हेंस 1 CHF इक्वल टू 65.65 डिवाइड बाय 0.9600 इक्वल टू, क्या हमारा आंसर आ जाएगा 68.38। इसका मतलब ये हो गया माय डियर फ्रेंड्स कि आपको 1 Swiss franc इक्वल टू 68.38 देना पड़ेगा। ओके, एक और है नेक्स्ट एग्जांपल, 1 USD 65.65, 1 Great Britain Pound इक्वल टू 1.3560 USD डॉलर कर सकते हो। तो हाउ मेनी 1 Great Britain Pound इक्वल टू कितना होगा, या 1 pound इक्वल टू कितना रुपी। तो सेम यहां कर देंगे कि 1 USD इक्वल टू 65.65 और 1 Great Pound इक्वल टू 1.3575। तो क्या हो जाएगा, हेंस 1 Great Britain Pound इक्वल टू 1.357 इंटू 6.67 इक्वल टू 89.11। ओके, सो दिस इज योर 1 pound इक्वल टू इतना रुपया आ जाएगा। ओके, सो यू कैन डू इन दिस वे। यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड रेट कोटेशन है, जिससे फर्स्ट मंथ का आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्पॉट रेट ये है, आपका सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ देख लीजिए, आपका ये बिड रेट है, ये ऑफर रेट है। सो दिस इज अ चार्ट, सो यू कैन इजली, एंड बात करें 4 मंथ का यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड इन इजी वे। अब बात करते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट की। आपने जो लास्ट अभी डेटा देखा था उसी से है कि वेन करेंसी इज कॉस्टलियर इन द फ्यूचर, आपकी जो करेंसी फ्यूचर में कॉस्टलियर होने वाली, महंगी होने वाली है, एज कंपेयर टू अस सेड टू बी, ओके, अदर करेंसी की अपेक्षा अगर महंगी होने वाली है, उसको बोलते हैं प्रीमियम पे। ओके, प्रीमियम ऑलवेज एडेड टू बोथ बाइंग एंड सेलिंग रेट। ओके, प्रीमियम क्या करते हैं, हम बाइंग एंड सेलिंग रेट दोनों को ऐड करते हैं। इट इज बेस करेंसी फॉर विच प्रीमियम इज मेंशन, और क्या होता है, ये बेस करेंसी होता है, इसके लिए प्रीमियम मेंशन किया जाता है। अब बात करें डिस्काउंट से, ठीक उल्टा कि क्या हो जाएगा, करेंसी इज चीपर इन द फ्यूचर, आगे चल के इसका दाम घटने वाला है। और सेम थिंग है कि ऑलवेज डिडेड बोथ बाई एंड सेल, उसमें क्या कर दे रहे, ऐड कर दोनों साइड, यहाँ पे घटा दे रहे हैं। एट इज बेस्ट करेंसी फॉर विच डिस्काउंट इज मेंशन, इसमें क्या करेंगे डिस्काउंट। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मर्चेंट रेट्स, तो टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग। टीटी बाइंग क्या होता है, टेलीग्राफ ट्रेड, ओके, सॉरी टेलीग्राफ ट्रांसफर बाइंग। तो आपका जो है, आपका इस पर बाय किया जा रहा है, ये बेसिकली होता है आपका इंडिविजुअल्स रिमिटांसेस के लिए करते हैं जनरली टीटी बाइंग। अगर कोई रिमिटांसेस बाहर से लेकर आ रहा है तो बैंक क्या कर देगी, उसे कम पे खरीद लेगी, और वही अगर बेचना होगा तो ज़्यादा बेचेगी। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ओके, ये ज़्यादा, ये हाई होगा ऑलवेज, ये लो होगा, ये लो ये हाई। बिल बाइंग क्या होता है, ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो होता है, ठीक है। बिल बाइंग मतलब यहाँ पे इंडियन बैंक क्या कर रही है, बिल खरीद रही है, तो क्या कर देगी, हमें अगेन लो में खरीदेगी। अब बिल को सेल करना है तो क्या करेगी, बिल सेल इन द सेंस कि कोई इंडियन कंपनी है और इंपोर्ट करना चाहती है तो बनवाएगी यहाँ से, अपना कोई लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगी या बिल बनाएगी दूसरे को, दूसरे जैसे पे करने के लिए, तो उसको उससे महंगा रेट लिया जाएगा, ठीक है, ये भी हाई रेट पे होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, ओके माय फ्रेंड्स, आपका यहीं पे यूनिट
फर्स्ट कंप्लीट होता है. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, दैट इज यूनिट 2. ओके.